नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आज जो बात करेंगे तो वो हिंदी साहित्य के अध्ययन के लिए जो समस्या सबसे बड़ी उत्पन्न होती है वो पुस्तकों का चयन होता है। कौन सी पुस्तक से कौन सा साहित्य या कितना भाग हम हिंदी साहित्य का पढ़ें ताकि हमारी जो परीक्षाएं हैं वहां पर समस्याएं समाप्त हो जाएं, तो इसके लिए हमारे पास में कुछ प्रक्रम है, कुछ सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से हम बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र किस किताब का सबसे बेहतर रहेगा। तो अगर हमें हिंदी साहित्य को भली भांति समझना है, मिलाकर के काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास आदि, जो उसका पद्य इतिहास है, ये सब मिलाकर के किस प्रकार से हम पुस्तकों का चयन करें, तो उसके लिए एक सूची हमने उपलब्ध की है जो आपको हमारे वीडियो के अंतर्गत मिलेगी। अगर आप कोई भी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित देना चाहते हैं, अगर हम बात करें तो उसमें टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसटी की पीजीटी, टीजीटी की परीक्षाएं होती हैं, नेट जेआरएफ की एक बहुत विशेष परीक्षा होती है उसके बारे में, इसके अतिरिक्त एक एलटी, मास्टर कैडर और फर्स्ट ग्रेड जैसी परीक्षाओं का भी क्रम रहता है। इन सभी के लिए आपको जो सुविधाजनक बुक रहेगी या पुस्तक रहेगी वो कौन सी रहेगी? सबसे पहले तो हम साहित्य के ब्रह्मा जी ने हम कह सकते हैं, जिन्होंने साहित्य में जो लिख दिया वह पत्थर की लकीर हो गया और मील का पत्थर भी साबित हुआ। उसके बाद 1929 के बाद जो भी साहित्य लिखा गया वो कहीं ना कहीं उसी के आधार को लिखा गया या उन्हीं कथनों को, उन्हीं तर्कों को जोड़ करके या उनको नए अर्थों में संदर्भित करके लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल और बहुत सारे विद्वानों के द्वारा हम यह सुनते भी हैं कि आपने अगर शुक्ल जी नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन तो हम उस किताब को पढ़ेंगे, लेकिन उस किताब में 1936 तक यानी छायावाद तक वर्णन है, इसलिए हमें सबसे ज्यादा महत्व उसके आदिकाल के भाग को देना चाहिए। भक्तिकाल और रीतिकाल, ये तीन जो भाग है रामचंद्र शुक्ल जी के, जो हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका प्रकाशन 1929 में हुआ, उसके तीन भाग आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, इन तीनों को बहुत बेहतर तरह से पढ़ना चाहिए जिससे हम किसी भी परीक्षा में चले जाएं वहां पे हमें जो कथन से प्रश्न आता है वो कभी नहीं गलत होने वाला। इसके बाद में अगर हमारे पास में यह किताब पूरी हो जाती है, क्योंकि भाषा थोड़ी सी जटिल है, समस्या हो सकती है कि हो सकता है आपको एक बार में किताब ना समझ में आए, तो 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है कि हम एक ही किताब को 10 बार पढ़ें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम आपको बता दें तो हम नगेंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास जिसका 73 में प्रकाशन हुआ, वर्तमान संस्करण जिसमें 2005 तक की रचनाओं को भी संग्रहित किया गया, वो गद्य और पद्य दोनों का ही एक सारगर्भित अध्ययन वहां से हो सकता है, तो वो अपने आप में आधुनिक काल को लेकर के लिखी गई सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। इसके अतिरिक्त हम बच्चन सिंह जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ सकते हैं, एक समीक्षात्मक अध्ययन, एक नए अर्थ में संदर्भित करने वाला हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जिसका प्रकाशन 1996 में हुआ, वह भी इस कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण रह सकती है। इसमें एक अगर हम निबंधात्मक या आलोचनात्मक शैली में पुस्तक का प्रयोग करें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास पढ़ सकते हैं, वह भी किताब इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर हमें विशेष रूप से हिंदी साहित्य का गद्य इतिहास पढ़ना है, एक बार मैं इस बात को दोबारा कहता हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर हमें विशेष रूप से हिंदी साहित्य का गद्य का इतिहास जिसमें लगभग 2010 से 12 तक की रचनाएं पढ़नी है, तो उसके लिए सर्वोत्तम पुस्तक जो बहुत ज्यादा विस्तृत है और वह है रामचंद्र तिवारी जी की हिंदी गद्य का इतिहास, तो गद्य साहित्य के लिए सर्वोत्तम बुक है। इसके अतिरिक्त कोई और दूसरी किताब अगर ना भी लें तो गद्य साहित्य से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये तो रही हमारी जिसमें हम डिटेल्ड हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ेंगे। बहुत सारे रचनाकार हैं, गोपाल राय जी हैं वो भी अद्यतन में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, विवेक शंकर जी हैं वो भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, इन सभी नामों के बशर्ते अगर हम पुराने हिंदी साहित्य की चर्चा करें तो ये मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार की पुस्तकें जो सामान्यतः एग्जाम के लिए एक महीने पहले, 15 दिन पहले जिनका प्रयोग किया जाता है, उन पुस्तकों में अगर आपको चयन करना है तो हमारे पास में मार्केट में पुनीत राय उपलब्ध है, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की एक किताब है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन दोनों का वस्तुनिष्ठ के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम काव्य शास्त्र के लिए पुस्तकों का चयन करने जा रहे हैं तो वहां पर हमें भारतीय काव्य शास्त्र के लिए एक
श्रेष्ठ हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र का इतिहास मिलेगा जो कि है भगीरथ मिसल जी का। तो भगीरथ मिसल एक बार हम पढ़ते हैं तो हम पूरी तरह से भारतीय काव्य शास्त्र में पारंगत हो सकते हैं और एक एक बिंदु को उन्होंने बहुत सारगर्भित तर्क संगत रूप से बताया भी है। लेकिन अगर हमें पाश्चात्य की चर्चा करनी है, भगीरथ मिश्र में भी हमें पाश्चात्य मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार का विवेचन हमें रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक में मिलता है वो एक विशिष्ट है, अनुपम है, वह किताब हम प्रयोग कर सकते हैं, उसको भी हम अपने अध्ययन सामग्री में संकलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमें एनटीए नेट जेआरएफ की अगर हम तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकाई एक से इकाई दस तक समायोजन रहता है हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो वहां पर एक हमारी मित्र नैना जैन जिन्होंने एक पुस्तक का संकलन किया है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उसमें इकाई एक से और इकाई दो दस तक का सभी का विस्तृत रूप से संकलन किया गया है, सभी बिंदुओं को सभी तथ्यों को बहुत ही डीप में जाकर के उसको रखा गया है। तो वो नैना जैन जी की भी पुस्तक हमें मिल सकती है, हमने आपको उसके लिए डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, आप उनसे सीधे संपर्क करके उस पुस्तक को भी मार्केट से उपलब्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये किताबों का जो संकलन रहा ये हिंदी साहित्य के लिए उपयोगी पुस्तकों के रूप में रहता है। तो एक बार फिर से हम नाम दे लेते हैं, आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल के लिए शुक्ल जी से बेहतर विकल्प नहीं है, और इस पुस्तकें पढ़ने से हम उसका समीक्षात्मक अध्ययन कर सकते हैं। इसके इतर अगर हम गद्य साहित्य की चर्चा करते हैं तो वहां पर रामचंद्र तिवारी जी हैं और सभी पुस्तकों की फोटोज जो टाइटल पेज है हमने अपने वीडियो में उपलब्ध करा रखे हैं, इन सभी संकलनों को पढ़ें, साहित्य के सारगर्भित जानकारी प्राप्त करें और समीक्षात्मक अध्ययन हम आपको हमारे चैनल गुरुचेला अकेडमी पर कराते रहेंगे। मैं प्रभात मिश्रा आपको हिंदी साहित्य से संबंधित एक एक तथ्य तथ्य पर विचार विमर्श करता हुआ मिलूंगा। आप हमारे चैनल में संपर्क करें, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी माध्यमों से आप हमारे चैनल गुरुचेला अकेडमी से जुड़ सकते हैं। हिंदी साहित्य के अध्ययन की विशेष सामग्री यहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगी, वीडियोस के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से, टेक्स्ट सीरीज हम प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस और पीडीएफ भी अवेलेबल रहती है। ये सभी जो तथ्य कथ्य रहते हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपके लिए बेहतर और उपयोगी रहेंगे। तो मित्रों ज्वाइन करें चैनल गुरुचेला अकेडमी और नित्य प्रति लाइव क्लासेस के माध्यम से अपने हिंदी साहित्य के अध्ययन को और विस्तार प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।